जिला कलेक्टर श्री गौतम सिंह व जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के कुशल निर्देशन में मलारगढ़ राजस्व व पुलिस टीम ने सटोरियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। बीते दो दिन पूर्व मलारगढ़ में थाने से कुछ ही दूरी पर खुलेआम सट्टा चलने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके विरुद्ध राजस्व टीम व पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार सटोरियों राजेश पिता मदनलाल अटवाल, दिलीप उर्फ कालू पिता बंशीलाल अटवाल, जितेंद्र उर्फ शंभू पिता मांगीलाल अटवाल, रजनीश पिता मांगीलाल अटवाल के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके मकान पर बुलडोजर चलाकर ढहाया गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। बुधवार अल सुबह पुलिस ने यह कार्रवाई की है। लगभग 6000 स्क्वायर फीट में बने 5 लाख रुपए कीमती भूमि पर बने मकान को ढहाया है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम के मार्गदर्शन में मलारगढ़ तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल, नायब तहसीलदार प्रियंका जैन, राजस्व निरीक्षक राजेश खरे, थाना प्रभारी राजेंद्र पवार, पुलिस बल व राजस्व टीम के साथ अवैध अतिक्रमण हटाया गया। बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ मामला? हाँ, पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री अनुराग सुजानिया साहब एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गौतम सोलंकी साहब के द्वारा ये जिले में एक आत्तन अपराधियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है कि इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इसी के तारतम्य में मल्हारगढ़ में TI मल्हारगढ़, तहसीलदार साहब मल्हारगढ़ पटेल साहब और नगर परिषद के द्वारा एक संयुक्त अभियान के तहत में यहाँ पर सटोरी एक परिवार रहता है, जिसमें राजेश है, रजनीश है, अटवाल परिवार है, ये इनके द्वारा पहले भी सट्टे का कार्य किया जाता था। ऐसे आत्तन अपराधियों के खिलाफ जिनके आपराधिक रिकॉर्ड है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी के तारतम्य में कल इनको गिरफ्तार करके जेल में पहुंचाया गया है और आज उसी पालन में इनके द्वारा जो अवैध अतिक्रमण किया गया था, लगभग 6 लाख रुपए का इनके द्वारा कीमत का अवैध अतिक्रमण कर रखा था अपने मकान में, उस अवैध अतिक्रमण को पूरी संयुक्त दल के द्वारा हटाया जाएगा और एक मैसेज दिया गया है कि किस प्रकार से आपराधिक तत्व के व्यक्ति जो गलत काम करेंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त प्रशासन कार्रवाई करेगा और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, उसी के पालन में ये कार्रवाई मलारगढ़ प्रशासन के द्वारा की गई थी।